खड़े हो गए। सीता जी घबरा रही हैं। जब राम नहीं झुके, एक सहेली बहुत चालाक थी सीता जी के साथ। बाने नजर उठाए के देखी, बाने सोची काऊ न काऊ की जामे करामाती कछु तो बात है ऐसी। तो जब बाने नजर डाली देखो तो लक्ष्मण थोड़े दूर और बहुत गुस्सा में खड़े। पासम पहुंच गई है सारा दिया, जो कहा भैया इधर आओ। लक्ष्मण को सारा दिया तो लक्ष्मण थोड़े खुश हुए, बोले अब लग रही है, अब तो लेन साफ, अब तो कछु हमें पूछी जाइए। लड़की ने बुलाया, जवाब दिया, भैया एक बात बताओ। बोले क्या? कि तुम्हारे कौन है? जवाब दिया, हमारे कौन है? हमारे बड़े भाई है, तुम्हें क्या करना? बोले इतने गुस्सा काहे को? तुम्हारे बड़े भाई हैं, तुम्हारे ही बड़े भाई रहेंगे। जवाब दिया, फिर तुमने हमें काहे को बुलाया? बोली सुनो, तुम्हारे बड़े भैया है और तुम अगर इनसे झुकवेगी बोल दियो तो जे झुक जाइए, और जय झुक जाए तो सीता जी की जयमाला डलने को नहीं रहे, शादी हो जाए। और तुम्हारे भैया की अगर शादी ना हो तो तुम्हें कितना खराब लगे? जवाब दो, देखो वो बात ना है। बात तो ये है कि जब से भैया आए तब से ही हम आए, भैया का बराबर सम्मान है, तो छोटे तो हम हैं। हमसे तो तुमने अभी तक किसी ने कोई बात ही नहीं पूछी और हम तो ऐसे ही खड़े। अब तुम आई हो और जब तुम अब आई हो तो तुम्हारा काम तो हम करवाए, तुम्हारी बात बिल्कुल मानो। अब जब उस सहेली ने कहा तो लक्ष्मण ने देर नहीं की, लक्ष्मण ने उससे ये कहा, देखो मेरी एक बात सुनो, मेरे पास एक उपाय है। क्या वो उपाय? ये है कि हम अपने भैया के पास जाएंगे और पैर छूने के लिए एक ही उपाय है। अगर भाभी सीता से बोल देना जाके, अगर भाभी पहला उपाय हम बता रहे हैं और ये मौका चूक गई तो फिर माला कोई नहीं डलवाए पाए। तासों उन्हें बताओ जाए कि हम जैसे ही पैर छुए वो हमारे भैया वो हमें झुक के उठाए, और जैसे ही भैया हमें झुक के उठाए वैसे ही भाभी से बोल देना उनके गले में जय माला डाल दे, दोनों काम हो जाए। सखी को समझा दिया तब भाई ने काम कर दिया, और तुम्हारी अब तो शादी होने को जा रही है और हमने अभी तक तुम्हारे चरण भी नहीं स्पर्श किए, एकदम से लेट गए। और जैसे ही चरणों में लेटे तब राम ने देर नहीं की, तब चरण छुए भैया के, भैया ने झोंकी की उठाए, तब चरण छुए भैया के, भैया ने झोंकी की उठाए। चंद्र नीचे झुके और लक्ष्मण को उठाया, जवाब दिया, भाई अरे पैरों पे नहीं गिरते, गले से मिलते। और नीचे झुके और लक्ष्मण को उठाया और सीता को मौका मिल गया। देर नहीं की सीता ने, सी
उठाया और लक्ष्मण को जैसे ही उठाया वैसे ही सीता को अवसर मिल गया। सीता ने वो जयमाला प्रभु रामचंद्र के गले में डाल दी। बोलिए सिया रामचंद्र की। जब जयमाला सीता ने प्रभु रामचंद्र के गले में डाली, फिर परिचित जी उसके बाद में जब शादी होती है तब क्या होता है? कहे परिचित जी, शादी करी हुई तो तुम गए हो, याद नहीं रही हो? अच्छा, श्री सुखदेव जी कहते हे राजन परीक्षित, जयमाला डलने के बाद में और हमें तो इतनी मालूम नहीं, शादी तो हम कर भी गए थे, हम भूल गए। लड़का को वो क्या बोलते हैं, कुंवर कलयुग के लिए बुलाया गया प्रभु रामचंद्र। और जब गए, जब प्रभु रामचंद्र और लक्ष्मण गए, तब सखियां खड़ी, सखियां ने आता हुआ देखा तो सखियां गालियां देने लगी। प्रभु रामचंद्र और लक्ष्मण जा रहे हैं, लक्ष्मण से, लक्ष्मण थोड़े नटखट थे, और लड़कियों ने देखा कि ये बहुत है ठेला भाई, किसी से बात ही नहीं करता है, चलो इसी से थोड़ी मजाक हो जाए। तो सहेलियां और लक्ष्मण से समझाए के बोली, भगवान ने प्रसाद दिया था उस प्रसाद में खीर ही थी। सहेलियों ने जवाब दिया लक्ष्मण की तरफ देख करके, ना पीर से होते ना तकदीर से होते, आया बदपुरी में लड़का पैदा खीर से होते, आया बदपुरी में लड़का पैदा खीर से होते, आया बदपुरी में लड़का पैदा खीर से होते। तुम्हारी तो हमें सब कुछ मालूम है। बोले क्या? अरे तुम्हारे यहां तो, तुम्हारी तरफ तो